अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। दिस इज़ अ शॉर्ट क्लिप वीडियो ऑफ शांगला, और यह है कि मालम और कलाम मालम जब्बा जाने के वक्त जो रास्ते में आपके पास जो व्यूज़ आते हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा जी, नेचर की बात ऐसी होती है, वो जो एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको पता होगा कि जो चीज़ आप लाइव देखते हैं वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मींस जब तक एक्सपीरियंस ना करें तब तक आप वो कैमरे की आंख से नहीं देख पाते। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो है बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, मौसम भी बहुत अच्छा था। और ये है कि कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो कितनी अच्छी लगती है, और हम इतना पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम ऐसे मनाजिर देखते हैं लाइव, अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखते हैं और जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें ये पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि हम जब जो मसाइल, जिन चीज़ों को बहुत बड़ा सोचते हैं, वो अल्लाह की खुदाई से बड़ी नहीं है। और जो रब कायनातों का मालिक है, सिर्फ़ एक दुनिया या अर्थ प्लैनेट का नहीं, आप सबके सामने ये खूबसूरत मनाजिर हैं। लेकिन आप जस्ट इमेजिन, जब दुनिया इतनी हसीन और ख़ूबसूरत अल्लाह ने बनाई है, तो जो जन्नत है या जो जन्नत का आला मुकाम है वो कितना हसीन होगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच करनी चाहिए। और मैं आज 3 सालों से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़लो करम से जो हमने ट्रैवल एक्सपीरियंस किया है नॉर्दर्न एरियाज़ को, तो इसमें मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि जो पॉजिटिविटी नेचुरल एक्सपीरियंस करके, नेचर में नेचर के करीब जाके, नेचर से करीब होके आप फील करते हो, तो वो एज सच इतना नहीं हो पाता जब आप एक कंटिन्यूस और डेली रूटीन गुजारते हो। तो आई वॉन्ट टू रेकमेंड ऑल ऑफ़ यू कि जिस तरीके से हम अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है खाने पीने के लिए पैसे जमा करते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको प्रायोरिटी देके ये सोचें कि साल में एक बार आपने ट्रैवल करना है, चाहे आप अपने मुल्क को ही ट्रैवल करें, क्योंकि वो इतना हसीन, इतना खूबसूरत है। यकीन माने 2019 से 2021 में भी, यानी लगातार 3 सालों से हम माशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो जगह एक्सप्लोर करते हैं जो न्यू हो, मीन्स के जो लास्ट टाइम हम कर चुके थे वो दोबारा हम नहीं विज़िट करते। रास्ते में आ जाए अलग बार है, बट वहाँ हम स्टे नहीं करते एंड हम एक्सप्लोर न्यू चीज़ें करते हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जब हम और नई चीज़ें देखते हैं, तो जब एक बार कुछ देखते हैं हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा है, शायद इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जब नेक्स्ट और कुछ हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें लगता है यार इससे भी ज़्यादा खूबसूरती है, इससे भी ज़्यादा अच्छी है, अच्छाई भी बहुत है, अच्छे लोग भी बहुत हैं, न्यू लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन के लोगों से मिलना, पॉजिटिव होना तो बहुत अच्छा इम्पेक्ट आता है। तो इसी वजह से जो है हदीस में भी है, इसी तरीके से लोग ट्रैवलिंग को या एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इस बात की अहमियत मैं समझी। और इस व्लॉग के थ्रू मैं सिर्फ यही अवेयरनेस या मैसेज देना चाहूँगी कि आप इसे अपनी तरजीहात में रख कर अपने पैसे जमा करें, और साल में एक बार, एक हफ़्ते के लिए सही, लेकिन आप ज़रूर एक्सप्लोर करें और अपने ही मुल्क को विज़िट करें, बहुत खूबसूरती है यहाँ पर। आई होप कि आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।